सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर। सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोज सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सके। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक मैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन डिस्कस कर चुका हूं, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन डिस्कस कर चुका हूं। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि कई बार आता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहां डिस्कस करना एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? दैट इज व्हाट द प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मिलन। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मिलन की बात करेंगे, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का मिलन कैसे करेंगे वो मिलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई मिलन की बेला जब प्रोटीन मिलेगा न्यूक्लिक एसिड से, तो वो न्यूक्लिक एसिड से मिलाते हैं। इसको कैसे मिलाएंगे कि एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में होता है? बेस पेयर के फॉर्म में, बेस पेयर के फॉर्म में। इस बेस पेयर के फॉर्म में अगर मैं आपको बात करने की कोशिश करूं, दो टर्म यहां पे, दो टर्म के बारे में बात करूंगा। व्हाट इज टू टर्म्स? वो दो टर्म क्या है? दैट इज व्हाट द जीन एंड ओआरएफ, जीन एंड ओआरएफ, या एक्सॉन इसको बोला जाए, एक्सॉन भी बोल दूं तो आपके जीन, एक्सॉनिक जीन और ओआरएफ। क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड ओआरएफ? वो डिफरेंस क्या होता है बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि उसका भी रोल बताऊंगा कि ये जो मिलन की बेला है उसमें कैसे क्लियर करेंगे। जीन में आपके पास कोई भी कोडिंग सीक्वेंस के साथ साथ, कोडिंग के साथ साथ स्टॉप कोडॉन भी इंक्लूडेड होते हैं। इन अ पर्टिकुलर जीन देयर इज अ कोडिंग सीक्वेंस एज वेल एज द स्टॉप कोडॉन। इन ओआरएफ इसको बोला जाता है विदाउट स्टॉप कोडॉन, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस, कॉन्टिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस होते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में होते हैं विदाउट स्टॉप कोडॉन, इसमें स्टॉप कोडॉन को काउंट नहीं करते। समझ में आ रही बात? ओआरएफ ओपन रीडिंग फ्रेम इसको बोला जाता है, ओपन रीडिंग फ्रेम। इस ओपन रीडिंग फ्रेम में स्टॉप कोडॉन को काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन जीन में कोडिंग के साथ साथ स्टॉप कोडॉन को भी काउंट करते हैं, पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर फ्रेम काउंट करते हैं। क्लियर है जीन और ओआरएफ का डिफरेंस क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जीन में इतने बेस पेयर है तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट इतना है तो कितना बेस पेयर होगा? ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हालांकि फंडामेंटल में आता है लेकिन आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसको मैं बायोकेमिस्ट्री में पुट कर रहा हूं। यहां पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये टॉपिक को, बहुत छोटा सा टॉपिक है। बोला जाता है कि एक जो कोडॉन होता है, व्हाट इज दैट कोडॉन? याद रख रहिएगा, स्टॉप कोडॉन इज नॉट इंक्लूडेड इन ओआरएफ, ओपन रीडिंग फ्रेम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कोडॉन जो होता है, तीन कोडॉन मिलके क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कोड। तीन बेस पेयर, नॉट तीन कोडॉन, इट्स लाइक अ थ्री बेस पेयर, अगर मैं इसको बोलूं, सो थ्री बेस पेयर मिलके बनाते हैं आपके एक कोड। तीन बेस पेयर मिलके बनाता है एक कोड। एक बेस पेयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जनरल जी? एक बेस पेयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 650 डाल्टन। ठीक है, अगर एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 110 डाल्टन। ठीक है, ये होता है 110 डाल्टन फॉर द अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड 650 डाल्टन फॉर द न्यूक्लिक एसिड वन बेस पेयर। थ्री बेस पेयर मिलकर एक कोड बनाता है और एक कोड एक अमीनो एसिड बनाता है। मतलब कितना रिलेशन होता है ये जब मिलते हैं तो कितना खर्चा बैठेगा? तिगुना खर्चा बैठेगा। मतलब तीन बेस पेयर मिलकर
एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। कई सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अगर ये आपको क्लियर है तो अपने आप सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ पूरा कॉन्सेप्ट है। जस्ट सी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराता हूं। एज फॉर एग्जांपल गेट एग्जाम गेट में आया 2015-2017 बायोटेक में, और 2014-13 and 2018 में आया है लाइफ साइंस में। इसी तरीके का रिलेवेंट क्वेश्चन, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का आया है कि एक प्रोटीन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 220 किलो डाल्टन। ठीक है, ये है एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 220 किलो डाल्टन। हाउ व्हाट विल बी, ठीक है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ ORF, what will be the size of ORF? Size of ORF क्या होगा? ORF की size क्या होगी? तो सीधी सी बात है, देखिए, just see and try to understand what you have to understand. Now समझने की कोशिश करिएगा कि 220 डाल्टन है, क्या करना पड़ेगा आपको? जो relation पता है वो relation है number का, मॉलिक्यूलर वेट का नहीं पता है। पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट तो पहले उनको नंबर में लेके आना है। नंबर का रिलेशन पता है कि तीन बेस पेयर से एक अमीनो एसिड, सो एग्जैक्टली एक अमीनो एसिड से तीन बेस पेयर, तो पहले अमीनो एसिड तो निकाल लो कितना अमीनो एसिड है। तो वो निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 220 को डिवाइड करोगे, 220 किलो डाल्टन को डिवाइड करोगे 110 से। किससे डिवाइड करोगे? 110 से। ये कटेगा दो बार, दैट इज व्हाट 2000 कटेगा, 110 डाल्टन, डाल्टन डाल्टन हो जाएगा, 2K को हम लिख सकते हैं 2000। ये क्या है? ये अमीनो एसिड है। ये क्या है? ये है अमीनो एसिड। अब एक अमीनो एसिड से कितना बेस पेयर बन रहा था? तीन बन रहा था। जब तो 2000 से कितना बनेगा? 2000 × 3। जब एक से तीन बन रहा है तो 2000 से कितना बनेगा? 6000 बेस पेयर। जब 6000 बेस पेयर, तो इसकी साइज कितनी हो गई ORF की? 6 किलो बेस पेयर। समझ में आ गया? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको नंबर का रिलेशन पता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपसे, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। बस आपको नंबर का रिलेशन पता है, नंबर लेके आइए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा फॉर्म पूछा जाता है, लेट मी राइट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि मैं अगर इसको उल्टा पूछ दूं कि एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें की मैं बात करूं, दैट इज व्हाट ये है 1850 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोटाइड जो 1850 बेस पेयर का बना हुआ है, ठीक है, अब प्रोटीन का साइज कितना होगा? प्रोटीन का साइज कितना होगा जी, बताना है आपको। तो आप क्या साइज रिलेशन पता है आपको? क्या आपको साइज रिलेशन पता है या नंबर रिलेशन पता है? व्हाट यू नो, क्या पता है आपको? दैट इज द साइज रिलेशन नहीं पता है, नंबर रिलेशन पता है। नंबर रिलेशन पता है तो उसको नंबर में लेके आइए। तो पहले न्यूक्लियोटाइड क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर ले आने के लिए क्या करेंगे? 1850 बेस पेयर है, 1850 बेस पेयर, 1850 बेस पेयर यानी कि 3 बेस पेयर। 1850 के बजाय 1830 कर लीजिए, 1830, दैट वुड बी इजी टू कैलकुलेट, 1830। ये बेस पेयर आपको पता है कि एक नंबर रिलेशन क्या पता है कि 3 बेस पेयर इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड। तो 18 बेस पेयर के लिए कैसे करेंगे? 3 अमीनो एसिड, ये इससे अमीनो एसिड पता चलेगा। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6, ठीक है, इसको 610, इतने अमीनो एसिड आएंगे, 610, ठीक है, 610 आएगा। समझ में आ रहा है? 3 से डिवाइड करेंगे, 600 अमीनो एसिड, और एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? दैट इज 610, एक का होता है 110 डाल्टन। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज 67, ठीक है, 6700, इतना आ जाएगा, दैट इज द 67 किलो डाल्टन। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में, जैसा कि अभी मैंने बोला साइज के फॉर्म में, ठीक है, व्हाट इज दैट साइज के फॉर्म में देखने की कोशिश करिएगा। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड जिसका साइज है 195 डाल्टन है। एक साइज है न्यूक्लिक एसिड का डीएनए और आरएनए जिसका साइज है इतना डाल्टन, या डीएनए और ओआरएफ या समथिंग लाइक दैट, व्हाट विल बी द प्रोटीन साइज? प्रोटीन साइज क्या होगा? ठीक है, तो दैट इज, अब प्रोटीन साइज के लिए आप क्या करेंगे? अब ये डाल्टन दिया हुआ है, तब इसको बेस पेयर में निकालेंगे। बेस पेयर में निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 650 से डिवाइड करेंगे।
650 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा, ये 30 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 30 टाइम्स, दैट इज व्हाट द 30 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 30 टाइम्स जाएगा, 30 टाइम्स जाएगा तो 30 बेस पेयर का कितना अमीनो एसिड बनेगा, 10 अमीनो एसिड, 3 का 1 बनता है तो 30 का कितना बनेगा, 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 10 into 110 दैट इज व्हाट 1100 या इसको बोल लेंगे 1.1 किलो डाल्टन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये मैंने उठा के यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ब्रेस्ट आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के, अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कांसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। We'll be right back.